राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ बहुत ही आलीशान हवेली पे, और हवेली क्या महल कह सकते हैं आप सभी। पहले मैं आपको हवेली का व्यू दिखाऊंगा चारों तरफ से, फिर मैं आपको अंदर लेके चलूंगा हवेली के। ये देखो भाइयों, मोहर बना हुआ है इधर, देख सकते हैं पुराने ज़माने में, और अर्जुन है। ये देखो भाइयों, पूरे गाँव में इनके जैसी हवेली नहीं है, और नमी है प्रधान खेमचंद जी की हवेली है ये। ये देखो भाइयों, और काफ़ी मेहनत करता हूँ। कुछ भाई कमेंट करते हैं, यार गलत कमेंट मत करा करो, क्योंकि देखो यार बहुत मेहनत करता हूँ, और मेरे बिल्कुल सूरज मेरे सर के ऊपर है, और पसीना मैं खोलम खोलूँ इस टाइम। और आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा हमेशा। देखो यार, मेरा हौसला बढ़ाओ, और मैं आगे काम यूँ ही करूँगा हमेशा आपके लिए। कितनी अच्छी कला करती है ये देखो भाई, ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी हैं, ये देख सकते हैं आप सभी। और बारीकी से दिखाऊंगा हर चीज़, बारीकी से दिखाना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को। ये देखो भैया, प्रधान खेमचंद जी, प्रधान दल सिंह जी, और गांव धनपुरा, सन भी लिखा हुआ है 1818। और ये देखो भाइयों, कृष्ण भगवान जी यहाँ पे। ये देखो भाइयों, बहुत अच्छी तरीके से देखो भगवान श्री कृष्ण जी, और यशोदा माता, और संत तुलसीदास, सारी दिखाऊंगा। ये देखो भाई, ये थमले देख लो एक बार, ये इधर से और ये इधर तक, और यहाँ पे एक राजा की वो बना रखी है। ये देखो भाई, इधर भी सेम ऐसी है, और सामने बैठे हैं, मैं बात भी कराऊंगा आपकी। ये देखो भाइयों, हवेली क्या यार महल है, बहुत कारीगरी देख लो एक बार दीवारों पे, कितनी शानदार कला करती है। और ये उसी ज़माने की है जबकि ये हवेली है। ये देखो भाइयों, एक किसान, ये देखो भाइयों, किसान की भी है, किसान भी धरता रखा है इस। और जो मेरे किसान भाई चैनल को देख रहे हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी मज़ेदार वीडियो वहीं लाता रहूँगा। ये देख सकते हैं आप सभी, इधर मोहर है, और ये भीम है। ये देखो भाई, वो भीम है, और देखो कितनी बढ़िया कला करती है, कभी बहुत ही पुराने ज़माने की है। और जब ये हवेली का निर्माण हो रहा था, तो उस ज़माने में ये कला करती दर्शाई गई थी दीवारों पे। तो ये देखो भाई, ये देखो, यहाँ भी वहाँ भी सारी तरफ आपको, यहाँ पे देखो भगवान श्री कृष्ण जी शेषनाग पर बैठे हुए हैं। ये देखो भाइयों, कलाकृति देखो कितनी आलीशान कलाकृति बना रखी है। और इधर अमरूद के पेड़े, ये बाहर है, यहाँ पे पेड़े वगैरह है हवेली के अंदर। तो एक बार मैं आपको इधर से दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, ये मेन रास्ता है, इधर से एंट्री गेट है। ये देखो भाइयों, तो किसान भाइयों में हवेली का व्यू, ये देखो भाइयों कितनी अच्छी हवेली है। और ये देखो भाइयों, तो किसान भाइयों अब चलते हैं अंदर। ये देखो भाइयों गेट, और ये इधर से, अब मैं चलता हूँ आपको अंदर लेके। ये देखो भाइयों, ये हवेली है, और इधर कमरे हैं, देखो प्याज वगैरह है, ये कमरे वगैरह बने हुए हैं। और ये देखो भाइयों, डिजाइनिंग किवाड़ों पे बढ़िया उस जमाने की है। ये देख सकते हैं भाइयों, बहुत बड़ी हवेली है। देखो भाइयों, इधर सब्जी वगैरह लगा रखी है, और ट्रैक्टर है भैया के पास में, देख सकते हैं सभी। और ये हवेली है, ये देखो भाइयों कितनी बड़ी हवेली है, और देख सकते हो पड़ा था बिल्कुल, और पीपल का पेड़ भी है, और यहाँ पे घिया की बेल, और ट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप सभी, ट्रैक्टर भी है इनके पास, जॉन डीरे का ट्रैक्टर है, एक छोटा ट्रैक्टर है, एक बड़ा ट्रैक्टर है, और उधर कृषि यंत्र है देखो भाइयों। और ये देखो भाइयों, ये किस चीज़ में काम आती है। अच्छा, ये देखो भाइयों, ये भी कृषि यंत्र है, एक छोटा ट्रैक्टर जोंडे का, एक इरा बड़ा,
दोनों शेर है बिल्कुल, और खेती में काम होते हैं बहुत बड़े तरीके से। तो किसान भाइयों देख लो, ये हवेली है और ये पेड़ वगैरह लगा रखे हैं नींबू का। ये देखो भाई, तो एक कमरा ये रहा हवेली के अंदर, ये देख सकते हैं ये भी एक कमरा है। कभी उस जमाने में छोटे छोटे कमरे बनाया करते थे हवेलियों में। ये देखो एक छोटा सा कमरा ये रहा, यहाँ पे फावले वगैरह रखे हैं किसान आदमी। और देखो इधर चूल्हा है, ये देख सकते हैं भाइयों एक बार, और दिखा दूं मैं आपको। ये देखो भाई ये हवेली पूरी बड़े तरीके से, और ये सामने दीवार है। तो पूरी हवेली कवर कराऊंगा, वीडियो में बने रहे। और थोड़ा भाई दिक्कत करना होता तो भाई दिक्कत करके जाता है। और ये देखो एक पीपल का पेड़ है, बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। ये देखो कितने कई सौ साल पुराना पेड़ है पीपल का। और यहाँ पे कृषि यंत्र हो गए इनके। ये सामने हवेली है, ये देखो भाई कितने कमरे बन रहे हैं यहाँ पे, उधर से इधर से फिर इधर 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 और फिर वहाँ पे, और सामने दोबारा है, और इधर ट्वेल वगैरह है, ये देख सकते हैं आप सभी। तो किसान भाइयों भी वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, नमस्कार जी।